नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी ने किया अनुरोध, सऊदी अरब ने तत्काल 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का दिया आदेश। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर जेल रोड इलाके के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग से लाखों की संपत्ति स्वाहा। महिला सुरक्षा को लेकर राजधानी में 13 दिनों तक पदयात्रा करेंगी स्वाति मालीवाल। सऊदी अरब ने की पुलवामा हमले की निंदा और कहा आतंकवाद किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब रोजाना 500 मरीजों का फ्री में होगा इलाज, एमसीडी ने बनाया ऐसा मेडिकल वैन। सीएम केजरीवाल बोले, पीएम कहते हैं उनका सीना 56 इंच का है, मैंने हर दिल्ली वाले का सीना 49 इंच का कर दिया है। दिल्ली एनसीआर को नई रफ्तार देगी हाई स्पीड ट्रेन, केंद्र से मिली मंजूरी। सैनिक व अर्धसैनिक बलों के बच्चे परीक्षा सेंटर में कर सकेंगे बदलाव, सीबीआई ने दी बड़ी राहत। रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान। 2017 से 2018 में दिल्ली सरकार ने बांट दिया 400 करोड़ का मुफ्त पानी। जीवन भर नया सीखने की ललक पैदा करे, दीक्षांत समारोह में बोले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। डीयू में प्रदर्शन पर पाबंदी के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। हिटलर की तरह है मोदी शाह, 2019 में सरकार बनते ही बदल देंगे संविधान, केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। मार्च तक बनी रहेगी सर्दी, दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर बन रहे बारिश के आसार। कांग्रेस में गठबंधन के लिए बेचैन है केजरीवाल और कहा अब तो मना मना कर थक चुका हूं। दिल्ली में बहुत ही जल्द आ सकती है फायर की नई पॉलिसी और नॉर्म्स। दिल्ली में देखे निजाम का 900 करोड़ रुपए का हीरा, साइज में है कोहिनूर से दोगुना। दिल्ली में ऑडी कार पर जम्पर पलटने से पति पत्नी और मां की मौत, बच्चा घायल। हिंदी के शिखर पुरुष नामवर सिंह पंचतत्व में विलीन। दिल्ली में लड़की पहले मांगती थी लिफ्ट, फिर भाई के साथ मिलकर देती थी गुना को अंजाम। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में भाई बहन को किया गिरफ्तार। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।